जो पहले 7 साल तक MDH मेथी गोदाम के पीछे थी और विगत पिछले 1 साल से यहाँ पे है। आप कभी भी सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सही 5 साल बीजेपी की सरकार रही और 5 साल कांग्रेस की, लेकिन इस नागौर जिला को हमेशा मैं प्रथम या सेकंड या थर्ड पायदान पे रखा हूँ, चाहे पालनहार की योजना हो चाहे पेंशन की, क्योंकि ये समाज कल्याण के पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मतदाता है तो भी नागौर जिले के अंदर है पूरे राजस्थान में, और चाहे पालनहार की योजना चाहे पेंशन की और स्कूटी की जो श्रीमान जी 2021 और 22 की घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2000 स्कूटी की घोषणा की थी और जिला था 33, उसमें से पूरा 200 स्कूटी नागौर के अंदर लेके आए हैं हम। उसकी जो सरकार हमारा मान और सम्मान और हमारे दिव्यांगों भाइयों की सुनेगी, हम पूरे राजस्थान के दिव्यांग उन्हीं सरकार को हम वोटिंग करेंगे। और हम आपसे कर्मठ निवेदन करना चाहते हैं कि सभी जातियों का राजनीतिक और आरक्षण में सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण है, तो हम दिव्यांग भी पूरे प्रदेश के ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार में आप श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी तक ये मैसेज मेरा पहुंचाना है कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को भी राजनीतिक में 4% 5% आरक्षण होना चाहिए। 31 दिव्यांग जन भाई बहनों को विकलांग विकास सेवा समिति नागौर द्वारा प्रशंसा पत्र किया वितरण। आज दिनांक 7/1/2023 को समाज कल्याण द्वारा सामाजिक सप्ताह सम्मान समापन समारोह संस्थान के अधीक्षक श्री विजय सिंह ने बताया कि मानसिक विमंदित पुण्यवाह ग्रह नागौर में मनाया गया। मुख्य अतिथि श्रीमान आयदान राम भाटी, सचिव प्रदेश कांग्रेस, एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमान कृपाराम देवड़ा, अध्यक्ष मली सेवा संस्थान नागौर, हनुमान बानगढ़ा PC, सदस्य नागौर, प्रदेशाध्यक्ष श्री पापालाल सांतला, विकलांग विकास सेवा समिति नागौर, सचिव सुरेंद्र कुमार शर्मा, भगवाना राम टांडी, जनहित सेवा संस्थान नागौर, श्याम सुंदर राव, नीलकंठ दिव्यांग सेवा संस्थान नागौर, बनवारी लाल शर्मा, समाज कल्याण विभाग नागौर, बिरदी चंद सांतला, घेवर चंद सांतला, उपाध्यक्ष नरेश सोलंकी, संस्थान में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत पापालाल सांतला, नरेश सोलंकी, कैलाश मामाजी, उमाराम देवासी द्वारा साफा व माला पहनकर स्वागत किया गया। पिछले करीब 10 वर्षों से जो दिव्यांग भाई बहन हमेशा संस्थान के साथ रहकर संपूर्ण जिले में दिव्यांग भाई व बहनों को सरकारी सेवा लाभ दिला रहे हैं तथा प्रचार प्रसार के माध्यम से हर वर्ग का जनकल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में 31 दिव्यांगजनों को विकलांग विकास सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष श्री पापालाल सांतला ने उनके कार्य की प्रगति व कल्याणकारी सेवा को देखते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए हैं। पापालाल सांतला द्वारा सदस्यों को संस्थान के बारे में अवगत करवाकर 5% आरक्षण दिव्यांगजन हेतु राजनैतिक क्षेत्र में देने की मांग रखी। साथ ही स्वीप के अधिकारी श्री ओम प्रकाश सैन, प्रभारी श्री हरीश सांतला ने इस सक्षम ऐप के बारे में दिव्यांगजनों को जानकारी देकर आगामी आम चुनाव 2023 में होने वाले मतदान 100% अमल में लाने का मत के एक वो सर्कल रोड काट दो हर 50 किलोमीटर जिधर हर 100 किलोमीटर पर माला भेंट कर एवं दिव्य ज्योति के साथ आज के इसे जिनके अथक प्रयासों से देश में सामाजिक समरसता के साथ साथ भाईचारा सौहार्द प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत आपने दिया, पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, उस अहिंसा अभिलाषा के साथ तत्कालीन समय में भी आपने अपने कर कमलों से आजादी ही नहीं, आपने देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक अछूत को, प्रत्येक दिव्यांगजन के समग्र विकास और कल्याण के लिए आपने अपनी संकल्पना साकार करने के लिए हमेशा प्रयास किया, उस महान विभूति को नमन करते हैं। सम्मानीय अतिथियों द्वारा आज के हमारे अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सम्मानीय आयदान जी भाटी आयोजन करते हैं जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से किया जाता है। फर्स्ट दिन हमने वर्ध कल्याण दिवस के रूप में मनाया, जिसमें पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति करवाना, पात्र व्यक्तियों की बंद पेंशन को चालू करवाना,
वृद्ध जनों के अधिकारों के प्रति जन चेतना जागृत करना, वृद्ध व्यक्तियों की चिकित्सा संबंधित जांच करवाना, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से वृद्ध आश्रम डे केयर सेंटरों में लाभान्वित हो रहे वृद्ध जनों को चश्मा, पुस्तकें, मास्क, घड़ी आदि दैनिक जरूरतों के हिसाब से जो चीजें देनी होती है उनको हमने ये सारा काम किया। फिर दूसरे दिन हम अनुसूचित जाति कल्याण दिवस के रूप में मनाया, जिसमें हमने कच्ची बस्तियों में बिजली, पेयजल की सुविधा की उपलब्धता, तकनीकी खराबी आदि, बस्तियों की साफ सफाई करवाना आदि काम किया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिला कार्यालय छात्रावासों में विद्यालय की विशेष सफाई और श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया। एससी एसटी अत्याचार के सभी लाभान्वित प्रकरणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। तीसरे दिन हमने अपराधी सुधार दिवस का आयोजन किया, जिसमें हमने केंद्रीय जिला कारागृह में बंदियों की समस्याओं पर परिवीक्षा अधिनियम पर विचार गोष्ठी की। बंदियों से हम जाके मिले, उनको हमने जो उनके बारे में कार्य किया जाना है उनके संबंध में हमने जानकारी दी। पालनहार योजना के पात्र बंदियों के प्रकरण तैयार करना, भिक्षावर्ती हेतु जो भी भिक्षावर्ती में लिप्त थे उनको हमने छुड़वाने का कार्य करना। चौथे दिन हमने बाल दिवस के रूप में मनाया, जिसमें निराश्रित जो बालक हैं उनको हमने डे केयर सेंटरों के माध्यम से एक मंच उपलब्ध करवाया और कमजोर कच्ची बस्तियों में जो बच्चे रह रहे हैं उनको हमने टीके, स्वास्थ्य परीक्षण आदि का काम करवाया। छात्रावासों में जो बच्चे रह रहे हैं उनको चिकित्सक की प्रशिक्षण करवाना आदि कार्य किया। स्वच्छता संबंधी साफ सफाई का कार्य, श्रमदान वगैरह किया। पांचवें दिन हमने महिला बाल कल्याण दिवस के रूप में मनाया, जिसमें हमने महिलाओं की समस्याओं पर विचार गोष्ठी की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हमने निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद आदि कार्यक्रम करवाए और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी दी। छठे दिन हमने जन चेतना दिवस के रूप में मनाया, जिसमें हमने सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज आदि के बारे में हमने गोष्ठी की और उनके बारे में हमने बालिकाओं को राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास में जानकारी दी। सातवें दिन आज विशेष योग्यजन कल्याण दिवस एवं समाज कल्याण सप्ताह का समापन समारोह के रूप में मनाया जाता है, जो हमने आज विशेष योग्यजन केंद्रों में संपर्क किया है उसमें हम विशेष योग्यजन को कृत्रिम अंगों की जिसको जरूरत है उनको हम ये उपलब्ध करवाएंगे और विशेष योग्यजन के जैसे खेलकूद आयोजन करवाना है, विशेष योग्यजन जिनको विद्यालय के माध्यम से शिक्षण एवं प्रशिक्षण जिनको जरूरत है उनको प्रारंभ करने की उनको हम करवाएंगे। विशेष योग्यजन के स्वरोजगार हेतु जो कैंप लगाए जाते हैं ऋण उपलब्ध करवाने के, वो फॉर्म हम तैयार करवा के ऑफिस के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। फिर विशेष योग्यजन है उनको कोई जिनकी पेंशन नहीं हो रही है उनको हम विकलांग प्रमाण पत्र जिनका बन गया है उनको हम पेंशन दिलवाने का कार्य करेंगे। इस तरह हमारा सातवां दिन समाज कल्याण सप्ताह के रूप में हम समापन समारोह की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आयदान जी भाटी साहब का सापा पहनाकर स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्री पापा लाल जी सांकला और माता पहनाकर स्वागत के लिए माला पहना के और हमारे राधा श्याम जी सांगवा साहब का जबरदस्त राधा श्याम महाराज जी जाओ महाराज जी समस्त विशेष योग्यजन दिव्यांगजन उनको प्रशंसा पत्र जिनके बेहतरीन दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आप सबके साथ वकालत है और आप उस पेशे के साथ साथ है सामाजिक कल्याण का कार्य भी हमेशा बेहतरीन तरीके से करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्यक्ष
श्याम सुंदर जी राम से आग्रह के आप हमारे और आप नीलकंठ दिव्यांग समारोह के धन्यवाद निवासी और यहाँ पर आप समाज सेवा में भी अपना योगदान देते हैं। श्री कृपाराम जी देवदाती दोनों की प्रतिभा के बनते हैं और अच्छे से आप हर व्यक्ति आप जाने पहचाने इनका नाम से परिचित हैं। आप समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और टीका माला और सापा के द्वारा स्वागत करें। समारोह में विराजमान है श्री बनवारी जी शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। समारोह में पधारे हैं श्री श्याम सुंदर जी नीलकंठ दिव्यांग सेवा समिति के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके उपाध्यक्ष विकलांग विकास सेवा समिति आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। मेराम जी संत, श्री मेराम जी संत और अरुण जी क्यों सर आप दोनों से आग्रह है कि आप पधारे और नरेश जी का माला और सभा के द्वारा स्वागत करें। एक दो दिन में ठीक बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी का भी माला पहना कर स्वागत कर रहे हैं। श्री विजय जी कोषाध्यक्ष हैं। श्री कैलाश जी मामा जी आपका स्वागत कर रहे हैं। श्री विजय जी, श्री विजय सिंह से निवेदन है कि आप बना रहे कैलाश जी का। श्री कैलाश जी मामा जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान कृपा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कैलाश जी साथ आप विकलांग विकास अब हमारे बीच में हमारे राधा श्याम जी गोदारा साहब के लिए जबरदस्त ताली माला पहना के और हमारे राधा श्याम जी सांगवा साहब का जबरदस्त नहीं राधा श्याम महाराज जी जाओ महाराज जी हमारे जो संस्थान के अध्यक्ष है विजय जी चौधरी सुबह 5 बजे उठते हैं और रात की 11 बजे तक इस बच्चों की पूरी सेवाएं दे रहे हैं। जबरदस्त आए हुए सभी दिव्यांगों को अभी प्रशंसा पत्र और माला पहना कर सबका स्वागत करेंगे। अभी प्रशंसा पत्र देके और एक सरोज जी श्रीमती शोभा जी धर्मपत्नी पापालाल जी उसके पश्चात निर्मला जी चौधरी सुबिता कुमारी आपका भी सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। लो ये आगे ले दो सरोज अन्ना राम 15 मिनट बाद में बात करना रामदेव जी लाखा राम पहले हम मुरली मनोहर सुतार सनोप रतन लाल जी मुरली मनोहर सुतार रतन लाल जी ठीक है बाद में महेश भट्टड़ बालाराम जी मूल सिंह जी सनोप मोती सिंह जी मूल सिंह जी सनोप मोती सिंह जी मूल सिंह जी मोती सिंह जी लाखा राम जी सनोप रामदेव जी आगे आ जाए लाखा राम सनोप पृथ्वीराज जी श्री विनोद सनोप पृथ्वीराज जी सनोप पृथ्वीराज जी विनोद जी हैं श्री संपत जी सुनो बद्री राम जी उसके बाद में है कैसर सिंह जी सुनो नैन सिंह जी कैसर सिंह सुनो अपने अब्दुल करीम पीर मोहम्मद आनंद बख्श अनीशुद्दीन सिद्दीकी
पूर्वाराम सुनो पुरखाराम जी, पूर्वाराम सुनो पुरखाराम जी, लूणाराम सुनो बंसीराम जी, इलू श्याम सुंदर जी, रामेश्वर राम जी, प्रकाश जी, श्याम सुंदर और जगदीश राम जी, सुमन जगदीश पवरलाल जी, सोनू पवरलाल जी, मूलाराम पांचाराम जी, मूलाराम पांचाराम, मेराम सुनो मगाराम जी, ये लो हारून मोहम्मद सनोप यूसुफ मोहम्मद, थोड़े हट जाओ भी फोटो वाली को पीछे जाने दो, सहदेव जी आगे चलो, राम प्रताप सनोप भगवाना राम जी, सुमन चौधरी पुत्र सुमन चौधरी भूरा राम जी, सुमन चौधरी भूरा राम जी, धर्माराम जी मुंडेल, सही ना मानो, भाई मेरे पास नहीं है, ऊपर पड़े हैं आपकी तरफ, नाम लिखे, ये दलक नाम लिखे, मैं बिना नाम के दे, बिना नाम के पाटी साहब उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित, भारत माता की, बड़ा जोश आज इस नागौर की पवन धरा पर दिव्यांगों के बीच में आने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आयदान राम जी भाटी, बनवारी जी, राधेश्याम जी, भगवान राम जी तांडी, सम्मानित मंच और पापा लाल जी, और मेरे दिव्यांग भाइयों, जिस प्रकार आज जो कार्यक्रम रखा और सामाजिक कल्याण के अधिकारी भी बीच में आए, जो एक सप्ताह इनका पखवाड़ा चला 1 से 7 तारीख तक, सारी बातें आपको मेरे से पहले बता दी कि कौन से दिन क्या कार्यक्रम था, आपको सरकार द्वारा जितनी मदद हो सके उतनी मदद की जा रही है, आने वाले दिनों में और इसमें नया क्या कर सकते हैं इसमें भी आप सुझाव दीजिए, जो समाज कल्याण के अधिकारी आए हैं उनको, ताकि 2030 का जो सीएम साहब अशोक जी गहलोत का मिशन है उसमें भी अगर हम शामिल करें, और आने वाले दिनों में दिव्यांग भाइयों को किस प्रकार मदद मिल सके, इनका जोश मनोबल बढ़ाया जा सके, ऐसा कार्यक्रम करते रहें। अभी मेरे से पहले कई वक्ता बता रहे थे कि दिव्यांग भाइयों में जोश होना चाहिए, मैंने देखा भगवान हो सकता है किसी को एक चीज नहीं दे, दो चीज नहीं दे, लेकिन भगवान वो शक्ति जरूर देता है सोचने की, काम करने की जज्बा, और वो जज्बा दिव्यांग भाइयों में मुझे दिखा। नागौर के अंदर ऐसे दिव्यांग भाई हैं जिन्होंने इस राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नागौर जिले का नाम रोशन किया। अभी छोटी बहन ने जो खेल कूद में नाम रोशन किया, या अनेक पढ़ाई हो या खेल कूद हो, हर चीज में आप आगे अग्रणी रहे, हम सब आपसे यही वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आप सबका कोई भी समस्या होगी, किसी भी प्रकार का कोई काम होगा, तो हम सब आपके बीच में तत्पर रहेंगे, और आपकी बात सरकार तक पहुंचाकर सरकार से जितनी ज्यादा मदद हो सके उसकी बात करेंगे और आपकी समस्याओं का हल करवाएंगे। आप सबके बीच में आने का
पर दो शब्द कहें, आप भी विशेष रूप से वृद्ध जनों के लिए वृद्धाश्रम संचालित कर रहे हैं, उसमें क्या क्या विशेष कार्य आप किए जा रहे हैं, इन सभी सज्जनों को जानकारी दें ताकि कोई जरूर को उसका लाभ भी मिल सके। श्री भगवान जी का दिन मेंबर हनुमान जी काफी वर्षों से विकलांग में सांगला जी काम कर रहे हैं और मैं तो समाज कल्याण में भी 2012-13 से जुड़ा हूं, जब से मैं उनको जानता हूं तो हमेशा इस कार्यक्रम में लगे ही रहते हैं। कभी जैसे इनका प्रोग्राम होता है जयपुर ले जाना है, दिल्ली ले जाना है, गाड़ी बसों की व्यवस्था करना या समाज कल्याण में भी किसी भी प्रकार कोई जरूरत है हमेशा ये मदद करते रहते हैं। तो इसीलिए आपके जैसे वहीं इतनी मदद करते हैं इन बच्चों को तो कैसे रखते हैं, अपने लोग को पूछने की या कहने की जरूरत नहीं है। ये भी जो जगह है एकदम साफ सुथरी जगह है और अपनी तरफ से हर मतलब बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों को खाने में पीने में। कभी कोई कुछ तो ऐसी संस्थाएं भी है, ऐसे एनजीओ ऐसे बदनाम भी है जो ऐसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं, नए मन ऐसे बच्चों को टाइम पर खाना खिलाते हैं, नए अच्छा क्वालिटी का खाना खिलाते हैं, लेकिन पापा लाल सांगला इसमें क्वालिटी के साथ में कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। और समाज कल्याण में भी किसी भी योजना हो तो हर संभव हमेशा ये सहयोग देते हैं। इसलिए मैं तो पापा लाल जी को भी यही कहता हूँ कि हमेशा मतलब इन बच्चों का भी ध्यान रखें और समाज कल्याण की कोई भी योजना में हमेशा हर तरह से सहयोग रखें। हम हमेशा यही कोई समाज कल्याण का प्रोग्राम ही ऐसा ही है, समाज के भलैया के काम करना है। तो इसीलिए और वंदे वंदे वंदे। आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो 7 दिन का हफ्ता चल रहा है 1 तारीख से 7 तारीख तक, तो आज समापन हफ्ता हम सब मिलके और मना रहे हैं। जो आदर्श ग्रामीण देवी विकास सेवा समिति का संरक्षक और विकलांग विकास सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान आयदान राम जी भाटी कांग्रेस सचिव प्रदेश के, उनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। हमारे बीच में पीसीसी सदस्य यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान हनुमान जी भांगड़ा साहब के लिए जबरदस्त ताली, और हमारे समाज के सिरमौर श्रीमान कृपाराम जी देवड़ा जी अध्यक्ष महोदय जी के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और मंच पर विराजमान हमारे जो कंधा से कंधा लगा के पिछले 11 सालों से सेवा के जनहित सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान भगवान राम जी टांडी साहब के लिए जबरदस्त ताली। तो इन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुनर्वास करे जो वर्जनों के लिए इन्होंने भी इस सेवा के लिए आश्रम खोला, उनके लिए जबरदस्त ताली। और मंच पर विराजमान हमारी जी राधा श्याम जी गोदारा साहब पत्र आपके द्वारा दिए, ये हमेशा सेवा में अग्रसित रहते हैं। और हमारे इस संस्थान के अधीक्षक विजय जी चौधरी साहब, उनके लिए भी, और समस्त स्टाफ, और मेरे ये बच्चे एमआर के जो श्रीमान जी पिछले 8 साल से हम यहाँ नागौर जिले के अंदर ये ऐसी संस्था का संचालित कर रहे हैं जो पहले 7 साल तक एमडीएच मेथी गोदाम के पीछे थी और विगत पिछले 1 साल से यहाँ पे है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं तो एक माध्यम है मामान जी हम नरेश जी सब, और चलाने वाला इस संस्था को आप हो। आदि तो गवर्नमेंट से हमें अनुदानित मिल जाता है और आधा समाज सेवा से है ये। तो श्रीमान जी आप लोग सब पधारे, उनके लिए मैं विकलांग विकास सेवा समिति की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और भांगड़ा जी मैं जो जिला अध्यक्ष बनने के बाद में आप कभी भी सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सही 5 साल बीजेपी की सरकार रही और 5 साल कांग्रेस की, लेकिन इस नागौर जिला को
हमेशा मैं प्रथम या सेकंड या थर्ड पायदान पे रखा हूँ, चाहे पालनहार की योजना हो चाहे पेंशन की, क्योंकि ये समाज कल्याण के मेन प्रभारी जी बनवारी जी लाल जी बैठे, इनको पूछ लो। आज पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मतदाता है तो भी नागौर जिले के अंदर है पूरे राजस्थान में, और चाहे पालनहार की योजना चाहे पेंशन की और स्कूटी की, जो श्रीमान जी 2021 और 22 की घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2000 स्कूटी की घोषणा की थी और जिला तक 33 उसमें से पूरा 200 स्कूटी नागौर के अंदर लेके आए हैं हम। पूछ लो ये बनवार जी बैठे, जो हमारे जिला कलेक्टर जितेंद्र जी सोने और हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के रामदयाल जी मांझू साहब और पूरे समाज कल्याण की स्टार की द्वारा, पूछ लो इनको, श्रीमान जी 2022 और 23 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5000 स्कूटी की घोषणा की थी, तो श्रीमान जी 2000 स्कूटियों में माननीय टीकाराम जी मंत्री पदा रहते, तो उन्होंने बोला कि अध्यक्ष महोदय अब की बार मैं अलवर जिले को फर्स्ट रखूंगा, तो श्रीमान जी 315 स्कूटियां दूसरी बार उन्होंने अलवर में और नागौर जिला को दूसरे पायदान पर रखा। पूछ लो श्रीमान जी बैठे, घोषणा 2023-24 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5000 स्कूटियां की घोषणा की थी, तो सबका सहयोग से नागौर जिला तीसरा पायदान पर रहा और 245 स्कूटियां की स्वीकृति कराई। और श्रीमान जी नागौर जिले के नारिया कहते हैं ना, नागौर जिले का नारिया और मोटियार अभी 13 जुलाई को पूरे राजस्थान के दिव्यांग भाइयों बहनों को मैं लेके 300 दिव्यांग जनों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के घर पे और खाना की व्यवस्था और वहां पे पूरा नागौर जिला का पहला मैं व्यक्ति हूँ आप सबका सहयोग से मुख्यमंत्री जी के आवाज में मैं नेतृत्व किया, आपको भाषण भी सुना होंगे आपने। तो श्रीमान जी पूरे नागौर जिले के अंदर 28,765 दिव्यांग जनों का मतदान सूची में नाम है और हर दिव्यांग भाई के साथ में उनके 4 जने घर वाले साथ में, तो अगर सरकार बनती है चाहे मंत्री बनता है चाहे अमेला बनता है तो हमेशा कुल मिला के पूरे नागौर जिले के अंदर लगभग 1,25,000 दिव्यांग जन है हम उनके गार्जियन के समेत, तो चाहे सांसद बने चाहे कुछ भी बने तो हमारा भी योगदान रहता है। और आप कांग्रेस के सचिव पूरे प्रदेश के होने के नाते और भांगड़ा जी, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार हमारा मान और सम्मान और हमारे दिव्यांगों भाइयों की सुनेंगे, हम पूरे राजस्थान के दिव्यांग उन्हीं सरकार को हम वोटिंग करेंगे। और हम आपसे कर्मठ निवेदन करना चाहते हैं कि सभी जातियों का राजनीतिक और आरक्षण में सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण है, तो हम दिव्यांग भी पूरे प्रदेश के ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार में आप श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी तक ये मैसेज मेरा पहुंचाना है कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को भी राजनीतिक में 4% 5% आरक्षण होना चाहिए। अगर दिव्यांग भाई विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे तो हमारा भी वहां पे लोकसभा और विधानसभा में मुद्दा उठाएगा, तो मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन आप सबका सहयोग से मैंने इस सेवा के कारण से पूरे राजस्थान के अंदर दिल्ली तक पर्चा ले रहा है, 4 बार जिला लेवल पे और 2 बार राज्य स्तर पर और 2 बार भारत सरकार से मैं सम्मानित हूँ और कुछ ही समय में अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सम्मानित होने जा रहा हूँ। कलेक्टर साहब ने वहां पर भी मेरा अनुशंसा भेज दी है। तो हनुमान जी भांगड़ा जी मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग तो पैसों से अपना नाम कमाते हैं और हाथ जोड़ के पद लेते हैं, लेकिन आपका भाई आपके सामने 60% दिव्यांग
आज भी गवर्नमेंट का 5 पद है। मैं कभी पद के लिए कभी किसी अधिकारी के पास मंत्री के पास आटा जोड़ी करने के लिए नहीं जाता हूँ। और पिछली 11 तारीख को मेरे पास पहले से भी 4 पद है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जो डॉक्टर अमित जी यादव साहब, हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश जी गुप्ता, एडीएम साहब पंकज जी शर्मा, और जो मुझे आगे होके बुला के और इलेक्शन आइकॉन नॉमिनी अधिकारी जो पूरे 10 तहसीलों का बनाया, तो मेरी सेवा बोलता है। और मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप दिव्यांग भाइयों को भी पूछ लीजिए कि हमेशा कैसी सेवा रहती है तन मन और धन से। मैं जो दूसरी संस्थाएं कार्य कर रहे हैं मुरली जी को, उनको भी मैं हमेशा इनवाइट करता हूँ, वो आते नहीं है, मैं क्या करता हूँ। और नागौर जिले के अंदर मुरली मनोहर जी टेलर और पापालाल जी दो ही है, और 2014 से मैं उन लोगों को देखता हूँ, आज तक वो मेरे गोदा करता आया अधिकारियों के पास में, और आज तक। लेकिन ये समाज कल्याण के अधिकारी उनके बाद में 500 जिला कलेक्टर महोदय जी आ गए और 2 समाज कल्याण अधिकारी महोदय आ गए। आप पूछ लो वहां पर पापालाल ने कहा क्या, भाई इन लोगों का काम नहीं करना। तो बांगड़ा जी हमेशा वो लोग तो आप लोगों से सिफारिश करवाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमेशा सबका साथ सबका विकास करने वाले के ऊपर हमेशा सहयोग रखता है। और एक और मैसेज, अभी 29 तारीख को पूरे राजस्थान के दिव्यांग जन जोधपुर के अंदर शामिल हुए, और उसमें आयदान जी भाटी जी साहब, आने वाले समय में चाहे सरकार कौन सी बनेगी, और सभी विधायक महोदय और सभी दिव्यांग जनों की एक ही आवाज है कि पापालाल सांगला निश्चित जन आयुक्त बनना चाहिए। तो अगर आप सबका सहयोग रहा तो नागौर जिले को राजस्थान में नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर वाला करवा दूंगा। जय हिंद, हार्दिक धन्यवाद, बधाई और आशीर्वाद देता हूं। इस संस्था के बारे में तो राधेश्याम जी गोदारा ने पूरा बता दिया, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं रखी। ऐसा संचालक चाहिए जो हर कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा और भूमिका और क्या होने जा रहा है वो सारा ही बता दे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। पापालाल जी सांकला जो पिछले 14-15 साल से सेवा कर रहे हैं, और इनकी सेवाओं के लिए हर आदमी देखता है और देख करके अपने आप को जोड़ने के लिए भामा साहब भी तैयार होते हैं। क्यों तैयार होते हैं भामा साहब? पापालाल जी जो भी काम करते हैं विकलांगों के हित में करते हैं, और विकलांगों के हित के लिए ही दानदाताओं को प्रेरित करते हैं, और इनको प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दानदाता आगे आकर के पूछते हैं कि पापालाल जी हम आपकी इस संस्था के लिए क्या सेवा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पापालाल जी का जो कार्यक्रम जो जयपुर में था, हमने भी उसको लाइव सुना। इन्होंने जो 4-5% की बात की ना, वो सीएम साहब ने सुनी है, और होना ही चाहिए विकलांगों के लिए जो है आरक्षण। हम आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि जो आरक्षण की मांग है इनके बारे में शीघ्र फैसला करें। एक बात, इस तरह के विकलांगों को देखना बहुत बड़ी बात है। भगवान ने आपको ताकत दी है, विमंद को एक आदमी को भी देखना बहुत बड़ा मतलब कठिन हो जाता है, पूरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप इतने लोगों को साथ लेकर चल रहे हो और इनका भविष्य सुधार रहे हो। मैं इन सब जो स्टाफ नहीं जो भी विमंद है, मैं इनकी शुभकामना करता हूं कि इनकी बुद्धि बढ़े और सामाजिक तौर तरीके से रहने का भी इनको
अच्छी तरह से आवे, इसके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ। और इस संसार से जुड़े हुए कई बंधु मेरे पास आया, मेरी का काम हो से और काम हो से कोई भी तरीका हो, मैंने कभी भी इनको मायूस होकर नहीं भेजा। मेरा जहाँ तक दायित्व रहता है, मैंने सबको संतुष्ट करके हर योजना का लाभ देके जहाँ कहीं भी हो इनके में कार्यक्रम हो करवाना हो, कलेक्टर साहब जैसे निर्देश देते हैं, अधिकारी महोदय जैसे निर्देश देते हैं, या इनसे संबंधित कोई योजना आती है तो इनको सबको मैं इकट्ठा करता हूँ, बातचीत भी करते हैं, हर चीज को आगे ले जाने की हम पूरा प्रयास करते हैं। आप सभी मेरे को यहाँ बुलाना, ये कार्यक्रम हमारे विभाग का था, ये नियम होता है कि विभाग से जुड़ी हुई संस्थाएं हर आगे आके हमारे विभाग को भी बढ़ाए, खुद को भी बढ़ाए और समाज को भी आगे बढ़ाए, इसलिए हम इनको सबको मोटिवेट करते हैं कि हर कार्यक्रम हमारी विभाग का एक मतलब दायित्व ही होता है कि जो भी संस्थाएं किसी भी क्षेत्र में काम करें उनको साथ लेके चलें और आगे बढ़ें। तो मैं यहाँ सभी पधारे हुए मेहमानों का